आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम IIT REM 2020 का मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर 53 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस इलेवन इक्वल। इस फंक्शन के हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, तो इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास एफ एक्स वाई जो दिया है, गिवन क्या है हमारे पास, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस इलेवन। अब फ्रेंड्स, इसको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू एफ। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर ये आ गया हमारे पास टू एक्स इसका प्लस वाई माइनस थ्री, एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो गया तो हमारे पास वाई, सॉरी वाई का स्पोर्ट निकले तो एक्स प्लस टू वाई माइनस सिक्स। अब फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को भी जीरो के इक्वल पुट करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई को भी जीरो के इक्वल पुट करते हैं। अब जीरो के इक्वल पुट कर दिया हमने, तो हमें यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये गिवन है हमारे पास। इसमें हमने टू का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास माइनस थ्री वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, इम्प्लाई कर गया वाई इक्वल टू थ्री। अब फिर वाई बराबर थ्री आ गया तो वाई की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो एक्स बराबर क्या जाएगा जीरो, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो और एक्स बराबर इस तरह से जीरो आ जाएगा। अब फिर हमारे पास मिनिमम वैल्यू पूछी और क्रिटिकल पॉइंट जो आया हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट आया अपने पास जीरो एंड थ्री। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ओनली एक ही है, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है आगे की। सेकंड ऑर्डर से हम चेक करें कि किस फॉर्म पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो उस पॉइंट पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू दी हुई होगी। ये इस क्वेश्चन का फायदा है कि हमें इसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत पड़ती तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता, और वो किस तरह से निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से, वो मैं अपनी वीडियो में पहले बता चुका हूँ। तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जीरो एंड थ्री के एफ एक्स वाई में, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो और थ्री पुट करनी है, जीरो एंड थ्री पुट करना है। तो यहाँ पे हो गया जीरो प्लस जीरो प्लस नाइन माइनस जीरो माइनस एट्टीन प्लस, सॉरी प्लस है प्लस फ्रेंड्स प्लस एलेवन, तो एलेवन और नाइन ट्वेंटी हो गए, ट्वेंटी माइनस एट्टीन तो ये हो गया हमारे पास टू, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स।